ठीक है बेटा, टॉपिक है इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिए। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रल, ये जो साइन है इसे इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स, ऐसे लिखा हुआ आएगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में बेटा ये है पेशेंट, ये पूरा डॉक्टर, और ये केवल सिंबल है जो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, इस डीएक्स में इस एक्स का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। कभी भी आप इसे डी एक्स की पावर 7 नहीं लिखेंगे, ठीक है। पेशेंट पेशेंट रहेगा, डी जिसके आगे लगा वो डॉक्टर है, डॉक्टर रहेगा। शक्ल मिलनी चाहिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, तभी ये इसका पेशेंट होगा। अदरवाइज रिलेटिव होगा, उसे बाहर निकाल देंगे, वो अगले फॉर्मूले में आएगा। फिलहाल ये पेशेंट, ये डॉक्टर। ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने पेशेंट का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर का रोल खत्म, इस सिंबल का रोल खत्म, केवल किससे मतलब रहेगा, पेशेंट से। ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट की जो भी पावर थी उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और इस पूरी पावर से डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक्स की पावर 7/7। मान लो यहां लिखा होता एक्स की पावर 4, तो आंसर क्या आता बोलिए। हाँ, किसी को नहीं मालूम, सिंपल, एक्स की पावर 5/5। मान लो यहां लिखा होता एक्स का स्क्वायर, तो आंसर क्या आता, x³/3। एक्स खाली एक्स लिखा होता तो आंसर क्या आता, x² / 2। अगर x की पावर 1 है तो आंसर आएगा x² / 2। ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ, यस और नो? सेकंड, इंटीग्रेशन 6x² या 6x³ इंटू डीएक्स। तो ये जो 6 है इसकी शक्ल डॉक्टर से नहीं मिल रही, मतलब ये है रिलेटिव, इसे बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन में बचा एक्स की पावर 3 इंटू डीएक्स। अब 6, एक्स की पावर हो जाएगी 4/4 में भी 4, तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 3x⁴/2। बताइए,
ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? ठीक, इसके बाद थर्ड फॉर्मूला देखिए। कभी कभी क्या होगा यहां नीचे कुछ लिखा होगा और ऊपर कुछ लिखा होगा, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट, मान लो यहां लिखा हो 2, यहां लिखा हो 6, तो लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 6। यहां लिखा हो x, यहां लिखा हो y, लोअर लिमिट है x, अपर लिमिट है y। इन टू में बाकी सब वैसा ही रहेगा, x इंटू डीएक्स। तो ये पेशेंट, ये डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे पहले, तो ऑपरेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की पावर 1 थी, आंसर आया एक्स की पावर 2 बाय 2। ऑपरेशन करने के बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट L, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट U, क्योंकि अभी हमने केवल ऑपरेशन किया है, लिमिट अप्लाई नहीं करी। अगले स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट कैसे अप्लाई होती है? पेशेंट की जगह पहले अपर लिमिट आके बैठ जाएगी, मतलब एक्स की जगह कौन आएगा? यू। तो हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2। पेशेंट को कौन रिप्लेस करेगा? अपर लिमिट। फिर लगाएंगे एक माइनस अपनी तरफ से, अब पेशेंट को रिप्लेस करेगी लोअर लिमिट, तो पेशेंट की जगह अब कौन आके बैठेगा? एल, मतलब एल स्क्वायर बाय 2। क्लियर? लिमिट अप्लाई करना। एक बार और देखिए, मान लीजिए यहां लिखा है ए, यहां लिखा है बी। तो सबसे पहले तो हमने एक्स का ऑपरेशन किया, एक्स स्क्वायर बाय 2 आया, ब्रैकेट लगाया, नीचे लिखा ए, ऊपर लिखा बी। अब लिमिट कैसे अप्लाई होगी? ये ए बी कैसे अप्लाई होंगे? पेशेंट की जगह आके बैठेगा बी, अपर लिमिट, बाकी सब वही रहेगा, स्क्वायर क्यूब बाकी सब वही रहेगा, बस एक्स की शक्ल चेंज हो जाएगी बी से। माइनस, अब एक्स की शक्ल चेंज हो जाएगी ए से, तो बी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2। अब आया गुड। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला, कभी कभी क्या होगा, ये स्थिति आ जाएगी, मतलब अंदर पेशेंट नहीं होगा, खाली होगा। जब कभी ये स्थिति आए तो हमारा आंसर आएगा x, जब अंदर पेशेंट ना हो तो dx बन जाता है x, जैसे ये लिखा। अंदर पेशेंट नहीं है तो हमारा आंसर आएगा y, जैसे ये लिखा।
अंदर पेशेंट नहीं है तो हमारा आंसर आएगा जेड। समझ में आया?